शांति। आज की तारीख है 12/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे एक दो को दुख देना ये गोष्ठ का काम है, यानी ये भूतों का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये गोष्ठ होता ही नहीं, यानी रावण कबूत जलाते हैं तो वहां होता ही नहीं। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है और खुशी में रहना है। उत्तर है कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे कि वो मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत बजा है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। नंबर दो, अपने अंदर कोई भी भूत को प्रवेश नहीं होने देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि का योग लगाना है। वरदान शिव सतगुरु का बेहद के अधिकार की स्मृति, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। और इसे ही बेहद के अधिकार को खुशी में रहो, ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम।
शांति।